हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चाइनीज़ पाम के ऊपर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितना ही सुंदर प्लांट है, और आज मैं आपको इसकी सॉइल और केयर के ऊपर बताऊंगी। और सबसे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितना ही सुंदर प्लांट है, और ये काफ़ी ही सुंदर, आप इसे शेड वाले एरिया में रख सकते हैं। तेज़ धूप में नहीं रखना इस प्लांट को कभी भी। अगर आप इसे तेज़ धूप में रख देंगे तो इसकी लीव्स जो होती है वो येलो होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है, और ये प्लांट ख़राब भी होने लगता है। और सबसे पहली इसकी टिप ये भी होती है, तेज़ धूप से बचाना। सेकंड टिप इसकी ये होती है कि अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो आपको इसकी सॉइल कैसे बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सॉइल के ऊपर बताती हूँ। आपको 50% सॉइल लेनी होगी, 30% आप सैंड ले सकते हैं, और 20% ही कंपोस्ट। जब भी आप इसे नर्सरी से प्लांट को लेकर आएँ, अगर आप जब भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम इसे 6 महीने में बस एक बार ही कंपोस्ट आप दे सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 1 मंथ में एक टाइम दे सकते हैं। और ये काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है, इसको ये हैवी फीडर नहीं है, इसको ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती जैसे बाकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। इस प्लांट को इतनी खाने पीने की ज़रूरत होती है, मतलब कि कंपोस्ट इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप इसे अगर 6 महीने में एक बारी भी कंपोस्ट देंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो करेगा, और 1 मंथ में इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब जैसे कि जुलाई आ रहा है तो आप इसे कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं जुलाई अगस्त में कभी भी, और बाद में फिर आप इसे फरवरी में कर सकते हैं फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो जैसे गोबर के उपलों का पानी दे सकते हैं, केलों के छिलकों का पानी दे सकते हैं, और जैसे दाल, जैसे आप दाल बनाते हैं तो उसे जैसे धोते हैं तो उसका पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं। इसे ओवर मतलब कंपोस्ट नहीं चाहिए होता है कि आप इसे हर 20 दिन में कंपोस्ट देना है या हर मंथ में। और ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है कि आपको ये जैसे प्लांट नज़र आ रहा है तो ये छोटा सा ही आप प्लांट लेंगे तो भी ये धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। अगर आप बड़ा प्लांट भी लेना चाहते हैं तो नर्सरी से ले सकते हैं, आपको इसकी ग्रोथ कम ही नज़र आएगी। कम मतलब काफ़ी टाइम में इसकी एक एक लीव्स नज़र आती है, तो इसकी स्लो ग्रोथ है, ये स्लो ग्रोथ प्लांट है। और आपको सॉइल मैंने बता दी है, ओवर वाटरिंग कभी भी मत करना। अगर आप इसे ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट जो इसकी रूट्स होती है वो गलने लग जाती है और प्लांट ख़राब भी हो सकता है। आप इसमें एप्सम सोल्ट का पानी भी स्प्रे कर सकते हैं, अच्छे से लीव्स ग्रीन रखने के लिए आप एप्सम सोल्ट का पानी भी दे सकते हैं। मैं तो नहीं यूज़ करती, अगर आपको एप्सम सोल्ट आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आधा चम्मच आपको 1 लीटर पानी में ऐड करना होगा, इसको बस स्प्रे कर दीजिए और बाकी का पानी आप इसके रूट्स में दे सकते हैं, मतलब कि मिट्टी में आप इसे दे सकते हैं पानी को। और अगर आपको ड्राई फॉर्म में देना है तो भी आप इसे आधा ही चम्मच दे दीजिए, तो भी ये बहुत अच्छा ग्रीन और हेल्दी प्लांट रहेगा। आप इतनी सी केयर है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और जब भी सूखी मिट्टी नज़र आए तभी पानी देना है, तेज़ धूप में नहीं रखना। थोड़ी बहुत छनके से धूप मिलती रहे, बस ऐसी धूप में ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है और काफ़ी ही सुंदर प्लांट होता है। आप भी इसे लगा सकते हैं जुलाई अगस्त में, कभी भी आप नर्सरी से जाके इस प्लांट को ला सकते हैं और अपने घर पे लगा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है जुलाई अगस्त में, आप किसी भी तरह का प्लांट ले सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ दिन अपने घर में रखिए और फिर रिपोर्टिंग कीजिए, किसी भी तरह की कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। बस इसे ओवर कंपोस्ट नहीं चाहिए होती है, कुछ टाइम में ही जैसे 6 महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच आप सबका।